नाउ स्टूडेंट्स रेशनैल फॉर एसी ऐसे मुराद ये है कि जब भी हम कोई चीज़ जब भी हम कोई नई चीज़ आप कह लें डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि ऐसी क्या नीड थी ऐसी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि हम ऐसी पढ़ रहे हैं मतलब हमारी जिंदगी एसी के बगैर भी अच्छी गुजर रही थी एसी ही हम क्यों पढ़ रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा यानी यू नीड टू अंडरस्टैंड द द रीजन मतलब सिर्फ आपने इसको इससे नहीं पढ़ना कि इस कोर्स का ये पार्ट है पहले आपने ये समझना है कि ये किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सोल्यूशन है इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल है प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम इसको हम लोग डिस्कस करते आए हैं इससे पहले कि इंटरनेट के ऊपर जो यूजर्स हैं वो बिलियंस में हैं और दे आर इंक्रीजिंग इंक्रीज कर रहे हैं और जो जो कंपनीज हैं वो भी हमें पता है बेतहाशा हैं और हमें यह पता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो जो कंपनीज पैसे खर्च करती हैं वो भी बिलियंस में है एंड इट इज इंक्रीजिंग यानी ईयर बाय ईयर जो कंपनीज सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग कैंपेन्स करती हैं वो बिलियंस में गर, जा रही है तो अगर कोई कंपनी ऑफ डॉलर्स अरबों डॉलर्स सोशल मीडिया की मार्केटिंग पर लगा रही है तो ऑब्वियसली कोई भी कमर्शियल कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है तो बगैर उसके रिटर्न के नहीं करती यानी अगर लेट्स बोल एक कंपनी है उसने अगर दस लाख डॉलर सोशल मीडिया की कैंपेन पर लगाया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दस लाख डॉलर के अगेंस्ट उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस ना की हों कि उनको इसे पोटेंशियल कस्टमर्स कितने आएंगे ऐसा कतर नहीं हो सकता ना ये वो पॉइंट है एग्जैक्टली exactly जिसको एससीओ हिट करता मतलब सेल्स और हमें यह पता है कि जो जो डिजिटल मार्केटिंग होती है या जो सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग होती है उसकी सेल्स का डायरेक्ट लिंक होता है ट्रैफिक से मेन क्लिक से अगर ट्रैफिक ज्यादा होगी किसी वेबसाइट की तो उतना तो ही पोटेंशियल है कि उस वेबसाइट के थ्रू वो कंपनी ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सकती है ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकती है तो ये एस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर मेरी वेबसाइट सर्च इंजन में उसकी रैंकिंग अच्छी होगी तो इसका मतलब ये है कि उसको देखने वाले लोग भी ज्यादा होंगे यानी पोटेंशियली और अगर देखने वाले लोग ज्यादा होंगे और हमें ये पता है देखने वाले लोग अरबों में हैं दे आर इन बिलियंस तो इसका मतलब है कि वेबसाइट के थ्रू जो बिजनेस जनरेट होगा या वेबसाइट के थ्रू जो बिजनेस जनरेट हो सकता है एग्जिस्टिंग क्लाइंट का या नई लीड्स का उसका भी चांस उतना ही ज्यादा है तो तो रेशनैल इसका डायरेक्टली कमर्शियल है मतलब इसको समझाने के लिए मैं आपको कोई फलसफा नहीं बताने लगा कि हम एससी इसलिए कर रहे हैं कि हमें लोगों को कनेक्ट करना है इसका कतन इससे कोई ताल्लुक नहीं है एस का सिंपल एक ऑब्जेक्टिव है कि जो वेब पेज है वो अगर सर्च इंजन में यानी गूगल में अगर उसकी रैंकिंग बेहतर होगी तो उतना ही चांस है कि जो कंपनी पैसे खर्च कर रही है पेज रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए यानी गूगल को पैसे दे रही है कि उसकी रैंकिंग बेहतर हो तो उतना ज्यादा चांस है कि सेल्स ज्यादा जनरेट होंगी मतलब मोर रेवेन्यू एस टेक्निक्स का डायरेक्ट लिंक है उस रेवेन्यू से या उस पैसे से जो कंपनी जनरेट करेगी या जनरेट कर सकती है तो यह सिंपल साइज का रेशन है इसका मतलब यह हुआ कि हम एस इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमने पढ़ना है और इस कोर्स का पार्ट है कत्तन नहीं ये इसलिए पढ़ रहे हैं आप लोग कि ई कॉमर्स जो है इट इज ऑल अबाउट बिजनेस ये रेवेन्यू जनरेट करने के डिफरेंट तरीके हैं और सेल्स नई सेल्स जनरेट करने के डिफरेंट तरीके हैं और हमें यह पता है कि साइबर वर्ल्ड में या इंटरनेट के ऊपर जो सेल्स जनरेट होती है वो ट्रैफिक है एंड ट्रैफिक इज एक्चुअली योर क्लिक्स ऑन वेबसाइट तो जितनी और क्लिक उसी वक्त ज्यादा होने का चांस है जब आपकी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजर आएगी और वो सर्च इंजन में थ्रू नजर आएगी डायरेक्टली बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर यू आर लिखें और हमें यह पता है कि अगर जो कस्टमर्स हैं वो अगर बिलियंस ऑफ यानी उनकी जो तादाद इंटरनेट के ऊपर डिजिटल वर्ल्ड में ऑलरेडी बिलियंस क्रॉस कर गई हुई है तो हमारी जो मार्केट है डिजिटल वर्ल्ड में वो सॉर्ट ऑफ नोन है हमें पता है कि हमने किन को टारगेट करना है सिर्फ ऐसे के थ्रू हमें यह मदद मिल जाती है कि हम लोग उस उस टारगेटेड ऑडियंस को अच्छे तरीके से अप्रोच कैसे कर सकते हैं